तो ये एक स्पेशल बीच चेक करने वाला गेज है, आप लोग अपने वाले भी यूज़ कर सकते हैं जो सिर्फ डायोप्टर्स में बता दें, ये तो सैग हागे हाइट बता दें मिलीमीटर्स में बता दें। तो ये अगर इस तरह कन्वेंशनल प्रोग्रेसिव हो, अगर हम उसको डिस्टेंस में रखें तो ये अभी आपको बताएगा, मिसाल के तौर पर हर बेस के अलग अलग बता दें, यहाँ मैं अभी बता रहे तकरीबन 3.5 बेस, लेकिन अगर हम इसी को एडिशन पर रखेंगे तो ये तकरीबन हमें बता रहा है कोई 5.25 बेस बता रहा है। तो इसकी बेस यूनिफॉर्म नहीं होगी कभी भी, आप कहीं और रखोगे तो आपको अलग अलग इसके वो बेस बताएगा। जो फ्री फॉर्म प्रोग्रेसिव है ज़्यादातर क्या होता है कि ये सिंगल विजन पे बनता है, इसको माइनस पे तो इस गेज से चेक नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम प्लस से चेक करें तो ये हर जगह सेम ही बताएगा। देखिए ये 5 बेस है, ये 5 बेस है, रीडिंग पे भी 5 बेस है, इस तरफ भी देखोगे तो 5 बेस, हर जगह ये 5 बेस ही बताएगा अगर 5 बेस का लेंस होगा। हर पावर के हिसाब से अलग अलग लेंस होते हैं, तो फ्री फॉर्म का सबसे आसान तरीका यही है कि पता लगाने का उसकी जो बेस होगी वो यूनिफॉर्म, चाहे आप एडिशन पर रखें, चाहे आप डिस्टेंस पर रखें या इंटरमीडिएट पर रखें, बेस एक ही बताएं। दूसरी सबसे आसान तरीका जो है इसके पता लगाने का, आप हमेशा अपने जो होलसेलर है उसको बोले कि भाई मुझे मैकेनिकल इंग्रेविंग चाहिए। मैकेनिकल इंग्रेविंग क्या है कि वो फ्री फॉर्म मशीन के अंदर ही कर सकते हैं, आप बाहर नहीं कर सकते। जो लेज़र इंग्रेविंग है वो तो आप मशीन से बाहर भी यूँ लगा दे तो हो जाएगी, या फोक मार के तो आप मशीन के बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन लेज़र जो मैकेनिकल इंग्रेविंग है वो सिर्फ मशीन के अंदर हो सकती है। फिर इसके बाद एक और हल है, आप अपने सप्लायर को या जो डिस्ट्रीब्यूटर है जो भी है उससे कहे कि भाई मुझे इधर एडिशन के बाद अपोजिट साइड या दूसरे साइड में मुझे 3 वर्ड चाहिए। वो को बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं इसमें, मिसाल के तौर पे किसी का नाम अगर वसीम अख्तर है तो वो WA लिख सकता है, WAS 3 वर्ड लिख सकते हैं इसमें लेंस के अंदर ही। तो जिसके पास फ्री फॉर्म मशीन होगी ज़रूर उसमें मैकेनिकल इंग्रेवर होगा और ज़रूर वो लेंस के अंदर 3 वर्ड एक्स्ट्रा लिख सकता है आपकी रिक्वायरमेंट पर।